मैम मैम आपका माइक म्यूट है। हेलो मैम,
आप लोग पिक्चर्स देख लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? एक आपको शेयर जो हुआ था भी, मतलब आज पता नहीं इस पे से शेयर नहीं कर पाऊंगी। तरह से लेयर्स थे और एक व्हील आपको दिखा था, वो राउंड ब्लेडेड नाइफ है जिसमें यहाँ टोटल ये एज पे आपकी शार्पनेस रहती है। ये ज्यादातर कैसे लेदर इंडस्ट्रीज में ये चीज होती है, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री में ज्यादा लेयर्स रखते हुए हम लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है? और दूसरी एक मशीन दिखी थी आपको इस तरह की, तो ये जो ब्लेड है ये स्टेबल रहती है। यहाँ पे इंसान खड़े होके कपड़े को हम लोगों को मूव करना पड़ता है, हमको जिस तरह से चाहिए है। तो ये वाली भी इंडस्ट्री में ज्यादातर जैसे मैट हो गए, जो स्क्वायर रेक्टेंगल पीसेस है, वही ज्यादातर इस तरह के ब्लेड के साथ कटते हैं, ठीक है? हम लोग उसमें शेप ज्यादा नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे हाथ में कंट्रोल फिर वो फैब्रिक या गारमेंट के ऊपर का ही रहता है। ये आप एक बार कटिंग बस देख लो, ब्लेड एक ही जगह पे है, ठीक है? बहुत धीरे करते हुए इस तरह से पॉकेट कटिंग के लिए ज्यादातर यूज होता है स्क्वायर्स, और ये राउंड काट के बता रहे हैं, लेकिन ये मशीन जल्दी जल्दी अगर कटिंग हो करते हैं हम लोग, तो ये ब्लेड मूव हो रही है ऊपर नीचे, इस वजह से वो कट हो रहा है। ओके, ये कुछ मार्किंग कर, ब्लेड नाइफ के बाद आपके सिलेबस में और कौन से नाइफ है? तो वो नाइफ मीन्स
आपके इलेक्ट्रॉनिक पूरा सिस्टम है ये। तो वो नहीं, सेम थिंग जो अभी देखा ना, ब्लेड जैसा ही रहता है बट स्ट्रेट लाइट नाइस। जो आवाज है वो आपके नाइफ की मूवमेंट की है, ये इस तरह से फैब्रिक को होल्ड करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे लेते हैं पूरा, जितना भी फैब्रिक की विड्थ है वो प्रेस रहेगी इसके साथ। राउंड नाइफ हो गया, हॉट नॉचर आपको बता देती हूँ एक। ये सारे थियोरिटिकली पार्ट ही रहेगा आप लोगों का। नॉचिंग मशीन ड्रिल मशीन ही बोल सकते हैं नॉचर मशीन को। इसमें कैसे फैब्रिक में बस होल करने के लिए या फैब्रिक एक पर्टिकुलर इससे अगर कट करते हैं, वॉकिंग और थ्रेड मेकर है इसके, शायद से पता नहीं वीडियोस नहीं डाले होंगे। हीट कटर ये कटिंग मशीन है, कटर है, नॉचर चाहिए हम लोगों को। ड्रिल प्रेस कंप्यूटर कंट्रोल मशीन दिखा दिया आपको, बैंड हो गया, स्ट्रेट नाइफ हो गया, राउंड मशीन दिखाया, ड्रिल प्रेस ये इस तरह से एक बस वो ड्रिलिंग करने के लिए जैसे ब्राउन पेपर या कार्डबोर्ड पे जो स्लोपर इंडस्ट्री में बन के रहते हैं उसको ड्रिल किया जाता है प्लेसमेंट्स ऑफ बटन्स पॉकेट्स के लिए। तो वो ड्रिल मशीन मतलब सिर्फ होल करने के लिए वो मशीन यूज होती है। ये जो पतली सी आपको नीडल जैसे दिख रही होगी, पिक्चर भी डिस्क्लोज नहीं करती है इंडस्ट्री।
पंचिंग मशीन, नॉचर, नॉचिंग मशीन है लेकिन पिक्चर्स के साथ भी है। सीन, ये देखो, ठीक है, ये सिर्फ नॉच करने के लिए, सिर्फ होल या डार्ट प्लेसमेंट के लिए हम लोग नॉचेस देते हैं, याद है नॉच कैसा इसमें रहता है? वो नॉच के लिए मशीन की होती। हॉट नॉचर मीन्स हम लोग ये नॉचेस देने के लिए, आप लोग ने हैंड नॉचेस देखे है क्या इंडस्ट्री में? ये जो स्लोपर या बॉडी ब्लॉक बनते हैं, या ये जैसे साइड सीम हो गया, देन डार्ट लेग है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक सिंबल बनाते हैं, कट करते हैं। तो ये जो स्लोपर्स है, फाइनल प्रोडक्शन पैटर्न जो है वो मूव होता है। तो जैसे मतलब एक जैसे पैटर्न मेकर ने वो पैटर्न बनाया, लेकिन वो कटिंग या स्टिचिंग डिपार्टमेंट वाले के पास नहीं खड़ा रहने वाला है कि यहाँ से अलाउंस लिया है मैंने, ये डार्ट है, यहाँ पे ड्रिल किया है, होल बनाया जाता है, और फिर पॉकेट प्लेसमेंट अगर है, या बटन कहाँ कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे लग रहे हैं, वो सब जो है यहाँ पे ड्रिल किया जाता है, होल बनाया जाता है कार्डबोर्ड पे, और वो कार्डबोर्ड पे नॉच दिया जाता है जहाँ पे डार्ट या अलाउंस जितना रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी नॉचेस रहते हैं कि ये अलाउंस मतलब ये 1/4 अलाउंस है, यहाँ पे हाफ अलाउंस रखा है, यहाँ पे 1 इंच रख दिया है, यहाँ पे नीचे फोल्डिंग के लिए है, तो यहाँ पे नॉचेस दिए जाते हैं, ठीक है। मार्किंग को हम लोग नॉचेस बोले, मतलब ये अगर पट्टी है, बटन पट्टी इतनी चौड़ी, तो यहाँ पे नॉच दिया जाएगा ताकि स्टिचिंग वालों को पता चले कि, और स्टिचिंग वालों के लिए भी ये कि ये रहता है कि ये पता रहे करके, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या गर्ल्स? नॉचेस, तो हॉट नॉचिंग मशीन, ये जो कार्डबोर्ड हो गए या फैब्रिक पे भी सिर्फ एज पे नॉचिंग देना है, तो वो तुरंत सब एक ही साथ कटेंगे, इस तरह से वो एडजस्टमेंट्स रहते हैं। हम लोग ने कंप्यूटर कंट्रोल मशीन देखे हैं, देन राउंड मशीन भी दिखा है आपको, हॉट नॉचर कैसे रहते हैं, वो मशीन का सिर्फ जैसे स्टेपलर जैसा रहता है ना, स्टेपलर इस तरह से रहता है अपना, तो यहाँ पे वो मार्क रहता है सिर्फ, और वो मतलब पूरा ब्लेड जो रहता है बहुत शार्प रहता है, और उस तरीके से ये कटते हुए साइड से पास ऑन होता है, क्या है? फिर आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सुइंग पार्ट देख लेते हैं, अटैचमेंट एंड देयर एप्लीकेशन। सुइंग पार्ट के अटैचमेंट, आपको स्टिचेस पता है क्या? अपने फैशन इंडस्ट्री में स्टिचेस है, तो वो स्टिचेस किस तरीके से मतलब काम में आती है, कौन कौन से स्टिचेस है जो गारमेंट इंडस्ट्री में जिस यूज होते हैं, या हम लोग जो भी फोल्डेड फैब्रिक हम लोग रखते हैं स्टिच करने के लिए, सपोज अगर शर्ट शर्ट का या आपके टॉप का ये जो साइड दोनों हेम है, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट, यहाँ से आप लोग स्टिचेस देते हो कमर का शेप देते हुए, तो ये स्टिच को क्या बोलते हैं?
साइड सीम पे जो स्टिचिंग आती है, यहाँ पे तो हम लोग ओवरलॉकिंग कर देते हैं, राइट? किसी को पता है यहाँ इस तरह के स्टिचेस कहाँ क्या क्या मतलब उसमें ये होता है? नहीं पता है मैम। नाम किसी को? फ्लैट सीम, सीम्स के भी नाम है, फ्लैट सीम, देन सेल्फ सीम, लैपल सीम, हाँ मैम सीम, ये सब हो गया नाम था मैम, ये सारे हुए थे ना। यस मैम हो गया है। वो फैब्रिक में किस तरह से वो फैब्रिक को फोल्ड किया जाता है वो सारा कुछ पता है? यस मैम है ना, वो आपने छोटे छोटे सैंपल्स भी बनाए होंगे। यस मैम। यहाँ पे हम लोग फिर मशीन के पार्ट के तरफ चलना है, स्विंग मशीन, उसके भी पार्ट्स आप लोगों ने शायद सब किए ही होंगे, मतलब स्टिचिंग वाले क्लास में। यहाँ पे दोबारा से है वो सारी चीजें आप लोगों को। मशीन कुछ इसी तरह दिखती है, यहाँ से नीडल वाला पार्ट रहता है और ये वो चक्का आपका घुमाने वाला। यहाँ पे जो नीडल के नीचे बिल्कुल रहता है वो एक पार्ट है। तो ये सारी चीजों के नाम आपको पता है? पूरे के नहीं मालूम मैम, कुछ कुछ के मालूम है। क्या क्या है मेरे को कोई बता सकता है कौन सा पार्ट क्या है? मैम मशीन में सिर्फ मतलब ज्यादा करके बॉबिन और चक्री का ही बताया था मैम ने, ये पार्ट के नाम नहीं बताए थे। होंगे ना बेटा, बताए नहीं थे मैम। ऐसे कैसे बताया नहीं होगा मैम ने? बताया होगा, विदाउट बताए मशीन वाला पार्ट शुरू ही नहीं किया होगा। बिना बताए आपको ये सारा कुछ मशीन वाला थिंग शुरू कर दिया था स्टिचिंग? नहीं मैम, मैम ने वीडियो दिखाए थे और बोले थे कि तुम लोग बना लेना करके, जिसको आती होगी मशीन चलाना वो लोग बना लेना बोले। बना लेना मतलब पिक्चर ड्रॉ करना है? नहीं कपड़े पे बनाना सैंपल से हुआ था, तो वीडियो देख देख के बनाए थे हमने। ठीक है, वीडियो देख। ठीक है, तुम्हारे डिटेलिंग मैं तुम लोगों को स्टिचेस वाला पूछ रही थी। तो स्टिचेस जो है वो मशीन में पता है कि आपको वन नीडल वाले मशीन में आप लोग बैठे हो, आप लोगों के कॉलेज में जो एक इलेक्ट्रिकल मशीन्स है उसमें टू नीडल मशीन में नीडल अटैचमेंट है वो देखा है? No. उस पे काम किया है डबल नीडल पे? नो मैम। अरे व्हाइट वाली जो नई वाली मशीन है ऊपर? नहीं मैम, हमने वो सिंगल नीडल वाली पे देखा है और किया भी है। देखा है किया भी है। तो वो जो व्हाइट वाली जो मशीन है ना उसमें अटैचमेंट जो चेंजेस हम लोग करते हैं, मतलब जो नीडल और एडजस्टमेंट पूरा निकलता है पता है वो पार्ट? तो वो नीडल जहाँ पे लगती है वो निकाल के डबल नीडल का भी
पॉइंट है वहां पे, तो कुछ हमारे जो स्टिचेस है उसमें वन निडल लगती है, वन बॉबिन लगता है, किसी में टू निडल लगती है और नीचे में दो बॉबिन भी रहती है, ऐसे भी मशीन्स है, ठीक है। तो ये जो सब मशीन की कैटेगरीज है वो हमारे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचेस के ऊपर वो पूरा क्लासेस फॉर्मेशन है आपके सिलेबस में, जो 100 क्लास 200 क्लास इस तरह से दिया हुआ है ना, सिलेबस देखा है? यस मैम, आपने ही बताया था। हाँ, तो ये क्लासेस जो दिए हुए हैं उसमें जैसे 100 क्लास में चेन स्टिच का फॉर्मेशन होता है, मतलब बैक साइड एंड बैक साइड में भले ही वो लूप्स फॉर्म रहेंगे और ऊपर से आपकी वो चेन फॉर्मेशन होती है, मतलब ये स्टिचेस ज्यादातर हमारे जैसे बटन बटन होल हो गया, देन हेमिंग या कुछ शोल्डर पैड्स हम लोग स्टिच करते हैं कोट्स में, वो सब एरिया में ये 100 क्लास वाली स्टिचिंग यूज की जाती है, ठीक है। और क्लास 200 जो है वो हैंड स्टिचेस, जो आपकी एम्ब्रॉयडरी हाथों से जो हम लोग स्टिचिंग कर लेते हैं, वो सारी चीज आपके क्लास 200 में आता है, ठीक है। तो इस ये 200 में सिंगल थ्रेड यूज किया जाता है और वन नीडल ही यूज होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. क्लास 200 में हैंड स्टिचेस वाली मशीन आ जाती, मतलब हैंड स्टिचेस आ जाते हैं सारे आपकी एम्ब्रॉयडरी डेकोरेटिव जो कुछ भी है, ठीक है। 100 में चेन स्टिचेस सारी आती हैं, मतलब आपके बटन होल वाली चेन, मतलब लूप्स बनते हैं ना, बटन होल वाली स्टिच पता है? Yes. जो बटन के कांच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो एक चेन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर 300 में, क्लास 300 में लॉक स्टिच आती है। अब लॉक स्टिच में यहाँ पे नीडल टू नीडल से लेके थ्री नीडल तक मशीन की कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ मैम। मतलब जहाँ टू नीडल थ्री नीडल जो बोल रही हो ना, जहाँ की यहाँ पे एक नीडल रहती है, तो यहाँ एक के जगह यहाँ पे दो नीडल रहेगी और तीन नीडल वाली भी मशीन रहती है, ठीक है। और फोर्थ में, फोर्थ वाले इसमें भी शायद सेम स्टिच है, मल्टी मतलब एक धागे नीचे भी दो धागे रहते हैं, ऊपर से भी दो धागे आते हैं, तो वो मल्टीपल चेन सिस्टम बनता है स्टिचिंग के वक्त। यहाँ हमारा एक बॉबिन रहता है ना नीचे, पता है? तो 400 क्लास में नीडल ज्यादा रह सकती है, देन चेन स्टिच फॉर्मेशन होती है। चेन स्टिच मतलब जिगजैग करते हुए बन सकता है या जो भी सिस्टम है वो मशीन से। तो जो मशीन के स्टिचेस अभी हम लोग देख रहे हैं, क्लासेस वाइज देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे लिख दूं क्या कि आप लोग लिख रहे हो? ऐसे कुछ नोट्स आपको फॉरवर्ड करूंगी ही, लिखना है? हाँ मैम। ठीक है, क्लास 100 लिखो, आपके सारे चेन स्टिचेस आ जाते हैं, ठीक है।
200 क्लास में हैंड स्टिचिंग वाले सारे स्टिचेस आते हैं, मतलब आपकी जो हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले स्टिचेस है वो आप जो भी बनाते हो वो क्लास 200 में आता है। हैंड स्टिचिंग सिर्फ लिख रही हूँ मैं आप लोग सामने, ठीक है। हैंड स्टिचेस क्लास 300 में लॉक स्टिच आएगी, क्लास 300 में लॉक स्टिच। क्लास 400 में आपकी चेन स्टिच है लेकिन मल्टी थ्रेड के साथ रहता है। अगर मल्टी थ्रेड बोल रहा है तो उसमें एक से दो मतलब एक से दो नीडल्स रहना जरूरी है, ठीक है। जब मल्टी थ्रेड चेन स्टिच अगर आ जाती है, एमटी लिख रही हूँ मल्टी थ्रेड में, मल्टी थ्रेड चेन स्टिच, देन क्लास 500 क्लास 500 में जो स्टिचेस साइड में आती है ना कपड़ों के, ओवरलॉकिंग करते हैं हम लोग, हमारे कॉलेज में ओवरलॉक मशीन भी है, ओवरलॉक स्टिच है, ठीक है। ओवरलॉक स्टिच में क्या होता है कि सिर्फ साइड सीम जो है पूरा कपड़े की किनार हम लोग अलाउंस रखते हैं और फिर बाद में स्टिचिंग देते हैं ना, तो वो छोड़ के पूरा जो किनारा रहता है उसको हम लोग ओवरलॉकिंग करते हैं कि हमारा कपड़ा वहां से निकलना नहीं चाहिए या खुलना नहीं चाहिए। आपके पैंट्स में, शर्ट्स में, अगर शर्ट में सिर्फ डायरेक्ट सीम के साथ सिलाई की है तो साइड वाला जो कपड़ा है उसको ओवरलॉक कर दिया जाता है, देखा है क्या शर्ट में? नहीं तो शर्ट में तो हम लोग पूरा लैपल सीम के साथ स्टिचिंग करते हैं कि वो अंदर का पार्ट दिखता ही नहीं है। ये इतना समझ में आया क्या जो बताया अब तक? यस मैम। ठीक है, क्लास 500 तक पहुंचे। ये क्लास में ओवरलॉक स्टिचेस आते हैं जो फैब्रिक के एज में किया जाता है। हाँ, क्लास 600 क्लास 600 में आपके ओवरलॉक कवर स्टिच बोल सकते हैं या ओवरलॉकिंग वाली स्टिच रहती है लेकिन मल्टी थ्रेड ये रहता है स्टिचेस रहता है, मतलब उसमें दो धागे से ज्यादा थ्रेड उसमें यूज हो सकते हैं, एक जैसे बॉबिन का हो गया, नीडल तीन अगर है, ठीक है, मतलब वो स्टिचेस में थ्री नीडल के ऊपर ये रहता है और एक लूपर बोलो या बॉबिन का एक नीचे से एक धागा रहता है, ठीक है। लूपर समझ में आता है क्या? लूपर किसे बोला गया है? नहीं, ठीक है, ये बॉस, ये आप लोगों को मैं सिर्फ कल आराम से बैठ के इसको बताना पड़ेगा, लूपर, बॉबिन और नीडल थ्रेड मशीन किस तरीके से वो काम करती है। आप लोग ने मशीन ऐसे जब नीचे जाती है तो वो धागा कैसे लेती है देखा है क्या? वो सब इतना बारीकी वाला काम किया है? नो मैम।
नहीं किया है। अगर घर में मशीन होगी ना, तो अगर सिलोगे कपड़ा तो वो बॉबिन हम लोग अटकाते हैं, तो वो एक प्लेट रहती है ना, वो प्लेट को निकाल के बॉबिन का धागा तो ऐसे नीचे लटका रहता है, और मशीन को नीचे लेते हुए नीडल किस तरह से उसको अपने वो नीडल वाला धागा कैसे उठाता है वो नीचे वाले धागे को ऊपर, वो देखना। ठीक है, तो जैसे बॉबिन नीचे से रहती है ना, तो लूपर बोलने से वो नीचे करता, में साइड से वो घूमते हुए सामने बढ़ते हैं कपड़े, जैसे निटिंग रहती है ना, निट में जैसे स्वेटर एक नौ सुई में आमने रहती है ना, आ रहा है ध्यान में, और हम डालते हैं सिलाई चढ़ाते हैं, सिलाई सिलाई घटाते हैं, ध्यान में है, ऐसे शब्द यूज किया हुआ है हम लोग ने, या मम्मी लोग अगर स्वेटर बना रहे तो वाढ़वायचा है अजून कमी करायचा, असं काहीतरी सांगितलं असेल, बोलताना ऐकलाय का कधी आईला हे टाके वाढवायचे आहेत? मैम हाँ, मैम असं ऐकलं आहे ना, क्या घर कम ज्यादा करते, टाके कम ज्यादा करते। हाँ वो ओवर स्टिच जो है 600 क्लास में ओवर स्टिच आते हैं, मल्टी थ्रेड ओवर स्टिचेस रहते हैं इसमें, मतलब तीन तीन धागे से चार धागे तक ये स्टिचेस में यूज हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेड कवर स्टिच बोल सकते हैं इसको। हम लोग ने क्लास 300 में जो लॉक स्टिचिंग दिया है, तो लॉक स्टिच जिगजैग नीडल चलती है पता है, आड़ी टेढ़ी ऐसे घूमते हुए जेड बनाते हुए, वैसे तो भी देखा है क्या वो व्हाइट वाली मशीन को? अगर अभी कभी कॉलेज अगर खुलता है तो सबसे पहले काम क्या करोगे, वो व्हाइट वाली मशीन को लेके बैठ जाना, और उसमें के जितने पार्ट्स है जितनी स्टिचेस है वो सब देखना, क्योंकि वो सब मशीन्स में ऊपर में ना दो दिया मतलब दो धागे डालने की जगह है, जिसमें धागा हम लोग अटकाते हैं वो मशीन में ऊपर में दो धागे रखने की जगह है, और नीडल जो है वो उसमें टू नीडल अटैचमेंट भी मिला है होगा मशीन के साथ, तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे करके देखेंगे। देखो ऊपर में दो और नीचे की बॉबिन का धागा एक, तो वो मिलके धागे हो गए, तो वैसे ही मशीन में कुछ कुछ मशीन में नीचे दो बॉबिन के लिए भी जगह रहती है, तो ये दो बॉबिन वाली जगह मतलब यहाँ पे मल्टी कवर्ड स्टिचेस वाली मशीन आ जाएंगी। ठीक है, थ्री हंड्रेड 400 क्लास चेन स्टिच है उसमें भी 401 402 इस तरह से कैटेगरी बनाई हुई है, कि ये 401 वाली स्टिच, ये सारी स्टिचेस आपको इसीलिए बता रही स्टिच कैटेगरी से लिखते हैं 401, चाहिए कि ये 401 क्या कौन सी स्टिच है और कौन से मशीन पे अपने मशीन कौन से मशीन पे ये सारी स्टिचेस आने वाली है। ठीक है, आ रहा है ध्यान में, हम लोग ये स्टिचेस वाली चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जो स्पेसिफिकेशन चीज, जैसे बाहर की किसी देश का वो ग्राहक है और उसने को ऑर्डर दिया है, तो वो जो अपनी डिजाइन और पूरा डिटेल शीट में डाल के देगा, शीट में हम लोग को
ये सारे स्टिचेस के भी कैटेगरी दिया जाए, कपड़े कौन से टाइप के रहने वाले हैं, कौन सा कपड़ा यूज करना है, अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो या आपके यहाँ ये कलर नहीं मिल रहा है तो आप कौन सा अल्टरनेटेड कलर यूज कर सकते हो। जैकेट में अगर सपोज दो कलर्स है, स्लीव में एक पट्टी है कोई दूसरे इसकी, या ट्रैक सूट है, ट्रैक पैंट में साइड में पट्टी रहती है, तो ये साथ हम को पहले सैंपल अप्रूवल करवाना पड़ता है, तो सैंपल भी हम लोग 1000 के नंबर है, ठीक है, और कंपनी उनका अप्रूवल साइन हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि मार्केट में जहां जहां हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है सैंपल पीसेस, अगर वो सैंपल पीसेस कस्टमर्स ने उनकी यहाँ पे उनके पास ऑर्डर आएगा कि आपकी जो भी आपने किया है अप्रूव्ड है और हमको ये इतने लाख तक 2-3 महीने में इतना लाख चाहिए करके गारमेंट, तो यहाँ पे फिर बाद में हमारा प्रोडक्शन यूनिट शुरू होता है। तो अब प्रोडक्शन यूनिट जब शुरू होगा, अब सैंपल पीसेस तो सिर्फ 1000 का ही बना था, तो जब प्रोडक्शन यूनिट शुरू होता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है स्टिचिंग कटिंग सुइंग देन मार्कर मेकिंग, तो ये सारे इसमें हमारे सब इसमें स्पेसिफिकेशन शीट हर डिपार्टमेंट में चाहिए, वही शीट कितना है वो देखेगा चेक करेगा, और कौन सी स्टिच की हुई है वो भी चेक होती है स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, सबसे पहले उस रिगार्डेड सारा कुछ मेंशन किया जाता है, ठीक है, उस हिसाब से वो मशीन सेटिंग होती है, 1 इंच में आपका इतने स्टिचेस आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो जो सिलाई करने वाला है वही अपनी मशीन सेट करता है, अगर एक फर्स्ट जो पीस निकल रहा है वो पीस को क्वालिटी कंट्रोलर बहुत डिटेल में चेक करता है अपना मेकिंग टेम्पलेट काउंट करते हुए, अगर उसको लगता है कि नहीं ये आधी स्टिच आ रही है तो, और स्पेसिफिकेशन शीट में एक डेड मतलब थोड़ा सा जैसे इस वाला फर्क जो रहता है ना कि अगर 12 के जगह अगर 13 भी आ गई तो चलेगा करके, ऐसे मेंशन रहता है कि वन स्टिच मोर विल डू करके, तो वो वन स्टिच डू मतलब क्या, तो ये सारी चीजें जो छोटी बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स है, तो वो एक मतलब बहुत ज्यादा मान्य रखता है जब हम लोग इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये सारी जो कितने क्लास है और सब क्लासेस, तो वो हम लोगों को रखना मतलब बहुत जरूरी है। मैं आपको देखती हूँ, अगर मेरे पास कुछ नोट्स अगर होंगी इसकी तो आपको ये स्टिचेस वाला मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, और स्टिचेस एंड सीम्स, सीम मतलब हम साइड पे जो बाउंड कपड़े को पैक करते हैं या दो कपड़ों को जोड़ना उसे हम लोग सीम बोलते हैं, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं, सीम मतलब दोनों फैब्रिक दो लेयर को हम लोग एक साथ कहीं ना कहीं बांध रहे हैं या स्टिच कर रहे हैं धागों से, तो वो हो जाता है सीम, ठीक है, इतना समझ में आया। आज हम लोग ने ब्लेड देखे, ब्लेड देखे तरह से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में जैसे हमारा कैची है घर में, हम लोग कैची से काटते हैं, तो कैची इस्तेमाल ना करते हुए अगर सपोज आपको 10 मिनट में यहाँ पे 200 पीसेस कट सकते हैं, लेकिन कैची से वो आप कितने हाथ अंगूठा वो कैची पकड़ने के बाद, अगर हम लोग ज्यादा कुछ काम भी कर लिए तो हमारा वो अंगूठा कैची दिखा किया है ये काम ऐसे,
तो वो होता नहीं है और हम लोगों को यूज करना पड़ता है मशीन, कटिंग मशीन, ट्रिमर। ठीक है गर्ल्स, कर बेटा। थैंक यू। थैंक यू मैम। आवाज आ रही है मैम यस आप मैम। लोगों को? हम यस लोग मैम। एंड कर रही हूँ क्लास। ओके मैम।